हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस सीखने की सीरीज में मैं सूरज आपका स्वागत करता हूं। और आज की ये वीडियो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस की है। हमारी एक व्यूअर हैं साना, आई डोंट नो कि किस कंट्री से बिलोंग करती हैं, होपफुली इंडिया से हों, किसी भी कंट्री से हों, मेरा काम है बताना। तो मैं आज माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस को लेकर के वीडियो बना रहा हूँ। इस पर बहुत सारी वीडियोज़ मैं पहले भी बना चुका हूँ। इनका ये कहना है कि स्टेप्स बता दीजिए, आई होप कि कैलकुलेशन का क्या स्टेप है, कैसे कैसे आपने क्रिएट किया। तो स्टेप्स तो मैंने पहले भी बताए हैं, लेकिन रिक्वेस्ट है, तो चलिए आइए फिर से देखते हैं। तो यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस मैंने ओपन किया है। आपको ओपन करने के लिए क्या करना है, कैसे ओपन करेंगे आप विंडोज़ के साथ आर बटन प्रेस कर लीजिए और यहाँ पर लिखिए एमएस एक्सेस बिना गैप के। ठीक है, आपको बिना गैप के लिखना है एमएस एक्सेस। एमएस एक्सेस ओपन हो जाएगा। मेरे पास एमएस एक्सेस का 2007 वर्जन है, मैं इसी को अभी यूज़ कर रहा हूँ। यहाँ पर आपको दिखाई पड़ेगा ब्लैंक डेटाबेस। ठीक है, तो यहाँ पर ब्लैंक डेटाबेस पे क्लिक कीजिए और यहाँ पर आप चाहे तो नाम चेंज कर सकते हैं। फिलहाल मैं यही नाम रहने देने वाला हूँ। ये हो गया। अब कुछ ऐसा सिनेरियो आएगा तो आप ये मत समझिए कि ये एक्सेल है, क्योंकि यहाँ पर आप ऐसे टाइप नहीं कर सकते, ऐसे नहीं लिख सकते जैसे कि आप एक्सेल पे लिखते हैं। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, डिज़ाइन व्यू पे जाना है और यहाँ से डिज़ाइन व्यू चूज़ कीजिए। यहाँ पर इसका नाम टेबल वन ही रहने देता हूँ, आप चाहे तो चेंज भी कर सकते हैं। अब ये एक चाबी सी आपको यहाँ पर दिखाई पड़ेगी, ये देख लीजिए, ये चाबी सी दिखाई पड़ रही है। ये कोई की नहीं है, हाँ बिल्कुल एक की ही है ये, हाँ चाबी नहीं है ये। तो यहाँ पर इसे प्राइमरी की कहते हैं और ये प्राइमरी की काम क्या करती है, ये यूनिक वैल्यू ही हमें टाइप करने देगी, यही काम है प्राइमरी की का। तो यहाँ पर मैं कर देता हूँ रोल नंबर। अब अगर यहाँ पर मैं स्टूडेंट नेम कर देता तो क्या होता, जैसे ही हम इस पर स्टूडेंट नेम करेंगे तो ये हो सकता है कि एक ही क्लास में सेम नाम से दो स्टूडेंट हो, तो ये एंटर ही नहीं करने देगा हमें। तो इस वजह से हम प्राइमरी की रोल नंबर को बना रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर रोल नंबर कर देता हूँ, ये कर दिया मैंने रोल और यहाँ पर कर दिया नंबर, तो ये रोल नंबर हो गया। क्लियर, तो इसे ऑटो नंबर रखेंगे हम। और आप चाहे तो यहाँ पर बहुत सारे डेटा टाइप आपको दिखाई पड़ेंगे, आप चाहे तो इसको टेक्स्ट भी रख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। टेक्स्ट रखेंगे तो टेक्स्ट और नंबर दोनों ही मिक्सअप कर सकते हैं। फिलहाल ऑटो नंबर रहने देता हूँ। यहाँ पर आता हूँ, ऑटो नंबर रहने दूंगा तो इससे ये फ़ायदा होगा कि ये अपने आप नंबर देता चला जाएगा। तो यहाँ पर कर देता हूँ नेम ऑफ स्टूडेंट, तो यहाँ पर स्टूडेंट के नाम आएंगे। ठीक है, नेम ऑफ स्टूडेंट, तो स्टूडेंट के नाम आएंगे यहाँ पर। और इसे रखूँगा मैं टेक्स्ट डेटा टाइप। अगर आप 2016 या 19 यूज़ करते हैं तो यहाँ पर आपको एक शॉर्ट टेक्स्ट का भी ऑप्शन मिलता है, आप चाहे तो शॉर्ट टेक्स्ट रख सकते हैं, लॉन्ग टेक्स्ट तो रखने की कोई बात नहीं, किसी का नाम इतना बड़ा तो होता नहीं है। तो यहाँ पर शॉर्ट टेक्स्ट रख सकते हैं या टेक्स्ट रख लीजिए अगर 2007 यूज़ करते हैं तो। ठीक है, अब यहाँ पर सब्जेक्ट्स की बात करेंगे। तो यहाँ पर कुछ सब्जेक्ट के नाम मैं लिखता हूँ, लाइक लिख लेता हूँ कंप्यूटर, लिख लिया। यहाँ पर डेटा टाइप आपको क्या रखना है, जब आप कैलकुलेट करेंगे तो आपको डेटा टाइप नंबर ही रखना है, आप टेक्स्ट वगैरह रख करके कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे, तो यहाँ पे नंबर ज़रूर रख लीजिएगा। क्योंकि मैं सब्जेक्ट के मार्क्स ऐड करूँगा यहाँ पे, तो यहाँ पर नंबर डेटा टाइप मैंने रख लिया है। और यहाँ पर कर देता हूँ दूसरे सब्जेक्ट का नाम, जिसे हम कहेंगे मैथ्स, तीसरे सब्जेक्ट का नाम साइंस कर देता हूँ, तो ये हमने कर दिया साइंस। और यहाँ पर चौथे सब्जेक्ट्स का नाम जो है SST यानी सोशल स्टडी कर देता हूँ। अगर आपके पास कोई और भी सब्जेक्ट है तो यहाँ पे नाम दे सकते हैं। ठीक है, जैसे सपोज कीजिए मैं यहाँ कर देता हूँ ड्राइंग, तो ये कर दिया ड्राइंग। तो इस तरीके से मैंने नाम दे दिए हैं। यहाँ पर आपको क्या करना है, टेक्स्ट डेटा टाइप को चेंज कर लेना है। यहाँ पर टेक्स्ट हो गया है तो इसको चेंज कर लीजिए नंबर डेटा टाइप में। ठीक है, तो ये नंबर डेटा टाइप में इसे चेंज कर लिया हमने। यहाँ पर देखिए ये नंबर डेटा टाइप, अब ये कई स्कूलों में पढ़ाया नहीं जाता है या टीचर इसको पढ़ाने से कतराते हैं। कारण क्या है कि ये सॉफ्टवेयर्स बना हुआ है डेवलपर के लिए। ठीक है, अब चूंकि शिक्षा नीति ऐसी लागू हुई है कि हमें दिन रात आगे बढ़ना पड़ेगा, मैं इंडिया की बात कर रहा हूँ, वीडियोज़ कई जगह चलते हैं हमारे कई कंट्रीज़ में, लेकिन मैं अभी बात कर रहा हूँ इंडिया की। तो इंडिया में शिक्षा नीति ऐसी लागू की गई है कि ये भी पढ़ाया जाना बहुत ज़रूरी है। और मुझे तो लगता है कि काफ़ी समय से ये सॉफ्टवेयर है लेकिन टीचर्स इसको ठीक से पढ़ाते नहीं हैं, तो आप इसको पढ़ाइए ज़रूर, क्योंकि ये बहुत ही यूज़फुल है। अगर स्टूडेंट इसको सीख जाते हैं चलाना, इस पे काम करना, तो वो सॉफ्टवेयर खुद ही डेवलप कर सकते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट भी जोर दें और अगर टीचर को लाभ होता है तो टीचर कैन लर्न फ्रॉम दिस वीडियो ऑल्सो। तो यहाँ पर टोटल कर देते हैं। ठीक है,
तो यहाँ पे टोटल हो जाएगा, और टोटल जो है टेक्स्ट डेटा टाइप नहीं होगा, नंबर ही डेटा टाइप इसको रखेंगे, ठीक है। अब इसमें आप चाहते हैं कि आप मैक्सिमम मिनिमम भी ऐड करें तो वो भी ऐड कर सकते हैं। फिलहाल मैं यहाँ पे एवरेज की बात कर लेता हूँ, तो यहाँ पे एवरेज भी ऐड कर लेता हूँ। ये एवरेज कर लिया हमने। अब एवरेज कैसे कैलकुलेट होता है आपको मालूम ही है, एवरेज का हिंदी मतलब होता है औसत, यानी जितने आपके सब्जेक्ट हैं उनका टोटल कर लीजिए और नंबर्स ऑफ सब्जेक्ट काउंट कर लीजिए। जैसे कि यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 फाइव सब्जेक्ट हैं, तो 5 से इसे डिवाइड कर दीजिए, बात खत्म, ठीक है, क्लियर है ना। तो ये हो गया, तो अभी हम इतना ही कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। और यहाँ व्यू पे क्लिक कर दीजिए, और जैसे ही व्यू पे क्लिक करेंगे तो ये आपको सेव करने के लिए बोलेगा, तो यहाँ से यस कर दीजिए, ये सेव हो जाएगा। अब देखिए जो जो टाइटल हमने दिया था वही वही टाइटल आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है, यानी आपका कुछ काम तो हो गया यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जैसे ही मैं स्टूडेंट का नाम देता हूँ, लाइक यहाँ पे दे दिया राम, तो यहाँ पे 1 लिखा हुआ अपने आप आ जाता है। कारण क्या है कि हमने ऑटो नंबर डेटा टाइप चूज किया था। यहाँ पे मार्क्स जो भी आपने दिए हैं वो फिल कर दीजिए, यहाँ पर मैंने फिल कर दिए हैं मार्क्स। टोटल अपने आप से कैलकुलेट नहीं होगा, एवरेज अपने आप से कैलकुलेट नहीं होगा, आप डेटा भले ही लिख लें लेकिन ये सारी चीज़ें अपने आप से कैलकुलेट होंगी नहीं, आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। एक्सेल के जैसे सुविधा आपको यहाँ मिलेगी नहीं, तो आपको करना क्या होगा, आपको यहाँ पर कैलकुलेट करने के लिए मैं तरीका बता देता हूँ। पहले तो इसको सेव कर लेते हैं, तो ये सेव कर लिया हमने, और अब हमें क्रिएट पे जाना है। अगर आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस का 2016-19 इस तरह का वर्जन यूज़ कर रहे हैं तो आपको यहीं पर सुविधा मिल जाती है डिज़ाइन व्यू में ही, मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर अगर मैं इसको डिज़ाइन व्यू पे लेता हूँ तो कुछ इस तरीके से ये खुलेगा, यहाँ पर आपको मिल जाता है कैलकुलेटेड, ठीक है, इसमें नहीं मिलेगा क्योंकि ये 2007 है, लेकिन वहां पर आपको जरूर मिल जाएगा कैलकुलेटेड डेटा टाइप, तो वहां पर डायरेक्टली आप कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन यहां प्रॉब्लम यह है कि आपको जाना पड़ेगा कहीं और, कहां, क्रिएट पे जाएंगे और यहां से आ जाएंगे क्वेरी डिजाइन पर। तो बिल्कुल क्वेरी डिजाइन पर आ जाइए, यहां पर यह शो टेबल की विंडो आपको दिख जाती है, यहां पर आप ऐड पे क्लिक कर दीजिए, ऐड कर दिया। अब आप देखेंगे कि जो जो फील्ड्स हमने ली थी वही वही नाम यहां पे आपको दिखाई पड़ रहे हैं। यहां हेडिंग पर आपको क्लिक करना है, आप एक एक करके भी ले सकते हैं, डबल क्लिक करते जाइए, ये यहां पर इंसर्ट होता जाएगा फील्ड में। फिलहाल मैं हेडिंग पे क्लिक करता हूं और एक साथ इसको लेके यहां पे आ जाता हूं, तो ये सारी चीजें यहां पर आ चुकी हैं। अब हमको कैलकुलेट करना है, ये बात ध्यान रखिएगा। तो क्या कैलकुलेट करना है, टोटल कैलकुलेट करना है। मैं थोड़ा सा इसे जूम करके बड़ा करके आपको दिखाता हूं, देखने में ज्यादा सुविधा होगी, ज्यादा आसानी होगी, आसानी के साथ आप देख पाएंगे और सीख पाएंगे, ठीक है, और सॉफ्टवेयर क्रिएट कर पाएंगे। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ओके कर दिया मैंने, और यहाँ पर आपको टोटल कैलकुलेट करना है। टोटल कैसे कैलकुलेट करना है, कोलन लगा करके करिएगा, इसे कहते हैं कोलन। कोलन वाला बटन कहाँ मिलेगा आपको, कीबोर्ड में अल्फाबेटिक जो की होती है एल के ठीक बाद वाला बटन है, शिफ्ट के साथ प्रेस करिएगा वो बटन, तो कोलन लग जाएगा। अब आपको करना क्या है, स्क्वायर ब्रैकेट बनाना है। देखिए लीब्रा डेटाबेस की बात करें तो वहां पर आप डबल इंटेड कोट्स का प्रयोग करते हैं, लेकिन यहां पर आपको स्क्वायर ब्रैकेट में ही कैलकुलेट करना है। तो पहला सब्जेक्ट हमारा बगल में दिख रहा है आपको कंप्यूटर, तो यहां ले लीजिए कंप्यूटर, नेम की स्पेलिंग सेम होनी चाहिए, ये बात ध्यान दीजिएगा, कहीं इधर उधर मत करिएगा, ठीक है, छोटा बड़ा कर सकते हैं, इधर उधर ऑर्डर हो सकता है लेकिन स्पेलिंग सही होनी चाहिए। मैथ्स कर लिया हमने, और यहाँ पे साइंस कर लेते हैं, तो यहाँ पे लिख दिया SCIENCE, तो ये साइंस भी कर लिया हमने, और फिर प्लस का निशान लगाया हमने, और अब कर लेते हैं SST, तो ये SST कर लिया हमने, और इसको भी क्लोज कर देंगे, प्लस का निशान लगाया हमने, और SST के बाद ड्राइंग कर लेते हैं, तो DRAWING, ये ड्राइंग भी कर लिया हमने, सब्जेक्ट हो गए। और अब हमें क्या करना है, यहाँ पे कैलकुलेट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 पांचों सब्जेक्ट हमने ले लिए हैं, अब यहाँ से ओके कर दीजिए, ठीक है। इन सब्जेक्ट्स के जगह कोई और भी सब्जेक्ट हो या अतिरिक्त सब्जेक्ट कोई और भी हो आपका, तो उसको भी इसी तरह से आप ऐड कर लीजिएगा। यहाँ पर एवरेज भी तो कैलकुलेट करना है, तो यहाँ पर देख सकते हैं, इसको मैं थोड़ा सा जूम व्यू पे लेके दिखाता हूँ आपको, इस फील्ड को मैंने क्या नाम दिया है, यहाँ पे देखिए ये नाम है टोटल। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, एवरेज जब हम की कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पर हमको टोटल को लेना है, तो यहाँ पर एवरेज लिखा। अब चूंकि कैलकुलेट करना है तो कोलन तो लगाना ही पड़ेगा, यहाँ पर हमें स्क्वायर ब्रैकेट में लिखना होगा टोटल। क्यों टोटल लिख रहा हूँ, क्योंकि टोटल के ही बेस पर हम कैलकुलेट किसको करेंगे, एवरेज को। तो इसको अपॉन कर दीजिए, यानी बटे का साइन लगा दीजिए, और 5 से इसे डिवाइड करेंगे। क्यों 5 से डिवाइड कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट की संख्या कितनी है, 1 2 3
चार पाँच, अगर आपके पास छः सात आठ जितने भी सब्जेक्ट हो उसी हिसाब से आप डिवाइड कर सकते हैं, ओके करते हैं। अब ये हमारा दोनों ही कैलकुलेट हो जाएगा, कैसे, ऐसे। यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे एवरेज और टोटल दोनों ही कैलकुलेट होकर आ रहा है। अब देखिए कमाल इसका कि यहाँ पर अगर आप जाते हैं और किसी स्टूडेंट का नाम लिखते हैं, लाइक यहाँ पे कर दिया मैंने अवनीश, और यहाँ पे इनको मार्क्स दे दिए कुछ भी, हमने ये मार्क्स हम दे रहे हैं यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये मार्क्स हम जैसे ही देंगे तो यहाँ पर टोटल और एवरेज अपने आप कैलकुलेट हो जाएगा, बात समझ में आ रही है। इसको एक बार सेव कर देता हूँ किसी अलग नाम से, जैसे मैं इसे कर देता हूँ स्टूडेंट क्यू, क्यू यानी क्वेरी, ठीक है। तो ये हमने कर दिया और अब हम इसके लिए फॉर्म डिज़ाइन करेंगे, ठीक है। फॉर्म कैसे डिज़ाइन करेंगे, यहाँ क्रिएट पे जाएंगे और यहाँ पर दिया हुआ फॉर्म डिज़ाइन, यहाँ पर भी जा सकते हैं और यहाँ पर देख सकते हैं मोर फॉर्म दिया हुआ है, तो यहाँ फॉर्म विजार्ड पे भी जा सकते हैं। अगर पिवोट टेबल क्रिएट कराना चाहते हैं तो यहाँ पे जा सकते हैं, फिलहाल अभी हमें फॉर्म विजार्ड पे ही चलना है। तो यहाँ फॉर्म विजार्ड पे क्लिक कर दिया है मैंने, पे क्लिक करेंगे तो ये विंडो ओपन होगी। अब ये कह रहा है कि क्या क्या वैल्यूज आपको चाहिए क्वेरी से, तो हमें सारे ही वैल्यूज चाहिए, सारी ही फील्ड चाहिए, तो ये ले लिया हमने। नेक्स्ट पे क्लिक किया, डेटा किस फॉर्मेट में चाहिए, फिलहाल मैं कॉलमर फॉर्मेट में ही रहने देने वाला हूँ, और यहाँ पर जो भी आपको ठीक लगे स्टाइल वो स्टाइल आप पिक कर लें, और यहाँ से ओके करते हुए यहाँ मॉडिफाई डिज़ाइन पर क्लिक करके और यहाँ से फिनिश कर दीजिए। तो ये आप देखेंगे कि यहाँ पर स्टूडेंट का पूरा रिकॉर्ड आपके सामने आ चुका है, ये देख लीजिए। यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, इसको छोटा बड़ा कर सकते हैं, ठीक है, यहाँ से इसको छोटा कर लीजिए, और यहाँ पर ये स्टूडेंट क्यू के नाम से आया हुआ है, आप चाहे तो इसे मार्कशीट भी नाम दे सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको टाइटल मिल जाता है, ये देखिए यहाँ पर टाइटल दिया हुआ है, ये मिलेगा आपको डिज़ाइन टैब में, ठीक है। तो यहाँ पर स्टूडेंट क्यू था टाइटल, यहाँ पे मैं कर देता हूँ मार्कशीट, तो ये कर दिया हमने मार्कशीट, ओके। और अब हम चाहते हैं एक कॉम्बो बनाना, कॉम्बो क्यों बनाना चाहते हैं, कॉम्बो इसलिए बनाना चाहते हैं क्योंकि अब यहाँ पर देखिए मार्कशीट को मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर कुछ इस तरीके से कर देता हूँ, ये लाइक दिस देख रहे हैं, और ये चाहे तो आप बड़ा भी कर सकते हैं इतना बड़ा, और यहाँ पे इसको सेलेक्ट करके इसके साइज़ को बढ़ा लीजिए, यहाँ से जा करके ये 18 है, इसको 28 कर देता हूँ, तो ये इस तरीके से हो गया। आप चाहे तो इसको सिलेक्शन में लीजिए और सिलेक्शन में लेकर के यहाँ इसको इस तरीके से कर लीजिए, तो ये मार्कशीट हो गया, ओके। और अब क्या करना है, अब यहाँ पर मार्कशीट तो हो गया, अब इस पूरे पार्ट को सेलेक्ट कर लीजिए और सेलेक्ट करके क्या करना है हमें, सिंपली यहाँ पर इसको एक कलर प्रोवाइड कर देते हैं। इतना करने के बाद एक कॉम्बो बनाना है, मैंने बताया था कि कॉम्बो बनाना है, तो यहाँ पर एक कॉम्बो बना लेता हूँ। कॉम्बो बनाने के लिए आपको डिज़ाइन पर रहना है और ये कॉम्बो बॉक्स चूज कर लेना है। कॉम्बो बॉक्स का क्या फ़ायदा है अभी आपको पता चलेगा। यहाँ पर इसको ड्रैग करवा दीजिए कुछ इस तरीके से, तो ये ड्रैग करवा दिया हमने। अब यहाँ पर तीन ऑप्शन खुल जाते हैं, तीनों ऑप्शन क्या क्या है, आई वॉन्ट द कॉम्बो बॉक्स टू लुक अप द वैल्यूज इन अ टेबल और क्वेरी, फिलहाल अभी हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। दूसरा ऑप्शन है आई विल टाइप द वैल्यूज दैट आई वॉन्ट, यानी कि खुद से आप जो चाहें वो वैल्यूज टाइप करें, इसकी भी जरूरत नहीं है। यहाँ पर है फाइंड अ रिकॉर्ड ऑन माई फॉर्म बेस्ड ऑन द वैल्यू आई सेलेक्टेड इन माई कॉम्बो बॉक्स, तो बिल्कुल इसी की जरूरत है हमें। तो यहाँ पर क्लिक कर दीजिए और यहाँ से नेक्स्ट पे क्लिक कीजिए। हम रोल नंबर के आधार पर स्टूडेंट्स के डिटेल को पिक करना चाहते हैं, तो यहाँ रोल नंबर चूज कर लिया, ओके किया, और यहाँ पे रोल नंबर 1 आ रहा है, फिलहाल हमें रोल नंबर ही रखना है, तो ये रोल नंबर करके और यहाँ से फिनिश पे क्लिक कर दीजिए। जैसे ही फिनिश करेंगे आप तो यहाँ पर ये आ जाएगा, ठीक है। अब ये देख रहे हैं हम कि ये दोनों जो है कलर थोड़ा डिफरेंट है इसका, तो कलर बैकग्राउंड कलर हम चेंज कर देते हैं। बैकग्राउंड कलर हम क्या रखना चाहते हैं वो डिसाइड करिए और यहाँ पर चेंज कर दीजिए। इसके बाद इन दोनों को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से इसे बोल्ड कर देंगे, और यहाँ पर चाहे तो कलर चेंज कर सकते हैं, रेड वगैरह रखना चाहें तो आराम से रख सकते हैं, नो प्रॉब्लम, ठीक है। इसको थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं। अब ये देख सकते हैं ये मार्कशीट यहाँ लिखा हुआ आ रहा है, इसको थोड़ा सा इधर साइड में कर देते हैं। तो ये हो गया आपका, ये सारी चीज़ें बन गई हैं। अब थोड़ा सा नीचे बटन बना लेते हैं हम। बटन बनाने से फ़ायदा क्या होगा कि आप नेक्स्ट नेक्स्ट करके और मार्क्स देख सकते हैं। तो यहाँ बटन पर क्लिक कर दीजिए और यहाँ पर इसको ड्रैग करवा दीजिए, ठीक है। तो जैसे ही ड्रैग करवाएंगे तो एक ये विंडो कमांड बटन विजार्ड की विंडो ओपन हो जाएगी, ठीक है। तो ये जैसे ही ओपन होगी तो यहाँ पर आपको मिलेगा गो टू फर्स्ट रिकॉर्ड, नेक्स्ट, प्रीवियस। तो अभी हमें नेक्स्ट रिकॉर्ड का बटन बनाना है, तो नेक्स्ट पे क्लिक करके और यहाँ पर हमें टेक्स्ट रखना है, तो ये टेक्स्ट पे क्लिक कीजिए और यहाँ पर ओके कर दीजिए, यानी फिनिश पे क्लिक कर दीजिए। तो यहाँ पर देखेंगे कि नेक्स्ट रिकॉर्ड का बटन आ गया है, ठीक है। इसका टेक्स्ट जो है इसका कलर हमें बदलना है, तो यहाँ पहले बोल्ड कर देता हूँ और यहाँ से कलर चाहे तो आप चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर इसका कलर मैं
रख लेता हूं, तो ये ब्लैक रख लिया मैंने, तो ये एक बटन बन गया हमारा। अब हमें दूसरा जो बटन बनाना है वो प्रीवियस रिकॉर्ड का बनाना है, ठीक है। तो यहाँ पे इसको ड्रैग करवाएंगे, तो देखिए यहाँ प्रीवियस रिकॉर्ड का भी बटन दिया हुआ है, तो यहाँ से आप बना लीजिए। इसको भी हम टेक्स्ट ही रखने वाले हैं, तो ये हो गया आपका प्रीवियस रिकॉर्ड का बटन। तो एक हो गया नेक्स्ट, दूसरा हो गया प्रीवियस, दोनों हो गया क्लियर। तो अभी इसको भी हम क्या करेंगे, सेम फॉर्मेट का बनाएंगे। तो यहां पर जाकर के इसको बोल्ड कर देता हूं और कलर जो है इसका सेम कर देता हूं कुछ इसी तरीके से, ठीक है। और इसको थोड़ा सा यहां से क्लिक करके थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं इस बॉक्स को, लाइक दिस, ठीक है। तो ये नेक्स्ट रिकॉर्ड हो गया और ये प्रीवियस रिकॉर्ड हो गया, क्लियर। अब क्या करना है हमको आगे, अब हमें यहां पर एक देखिए यहां पे क्लिक कर देता हूं, तो जैसे ही क्लिक करूंगा तो ये इस तरीके से आपको ये नजर आएगा, ठीक है। आप चाहे तो इसमें यहां पर एक आपको मिल जाता है प्रॉपर्टी शीट, यहां पर जा करके इसमें थोड़ा चेंजिंग कर सकते हैं। लाइक हमने फॉर्म बनाया था, तो यहां पे फॉर्म पे जाके पॉपअप वगैरह ऑन कर लेंगे तो आपको एक सॉफ्टवेयर का ये फॉर्मेट दे देता है। तो ये देखिए अब इसको मैं क्लिक करता हूं, तो ये देखिए ये एक सिंगल विंडो में खुल रहा है कुछ इस तरीके से। तो ये आपका सॉफ्टवेयर ही है एक तरह से देखा जाए तो। यहां पर अगर मैं 3 नंबर रोल नंबर को चूज करता हूं तो यहां पे 3 वाला रोल नंबर आ जाता है, ठीक है। अब एक काम और करते हैं हम, इसको तो हमने बना ही लिया है स्टूडेंट क्यू के नाम से, ये भी बना हुआ है आप देख सकते हैं। तो अभी क्या करना है, इसके लिए रिपोर्ट डिजाइन करनी है। तो रिपोर्ट कैसे डिजाइन करेंगे, क्रिएट पे जाएंगे और यहां पर आपको मिल जाता है रिपोर्ट विजर्ड। आप चाहे तो ब्लैंक रिपोर्ट डिजाइन कीजिए, उसमें आप डेटा फिल करते जाइए, जो भी डेटा आपका है वो साइड में आ जाएगा। फिलहाल मैं रिपोर्ट विजर्ड पे क्लिक करता हूं और हमें इस बार बात किसकी करनी है, क्वेरी की ही करनी है, ठीक है। तो ये सारी क्वेरीज हम ये सारी चीजें ले लेते हैं और यहाँ पर ओके करते हैं, रोल नंबर को प्रियोरिटी देते हैं और यहाँ से नेक्स्ट पे क्लिक करके, नेक्स्ट पे क्लिक करके और यहाँ से नेक्स्ट पे क्लिक करके, फिर मॉडिफाई डिजाइन पे क्लिक करके और यहाँ से फिनिश पे क्लिक कर देते हैं। तो ये कुछ इस तरीके से यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। अब ये रिपोर्ट बिल्कुल अरेंज वे में नहीं आया हुआ है, आप देख सकते हैं इधर का उधर आया हुआ है, सारी चीजें उल्टा सीधा आ गया है, ठीक है। तो इसको सही करना पड़ेगा, तो सही कैसे होगा, अब देखिए डायरेक्टली आप इस पर क्लिक करेंगे ना तो ये रिपोर्ट ऐसे दिखाई पड़ेगी, ठीक है, उल्टा सीधा दिखाई पड़ेगा, पता नहीं चलेगा आपको, ठीक है। तो अभी हमको क्या करना है, इसको सही तरीके से आपको करना है, तो सही तरीके से सेटिंग वेटिंग आप कर लीजिएगा। देखिए यहाँ पे सबसे पहले तो आप मार्कशीट डाल दीजिए, यहाँ पे इसको हटाइए, यहाँ पे टाइटल हमें क्या डालना है, मार्कशीट का डालना है, ठीक है। तो यहाँ पे कर देते हैं मार्कशीट, तो यहाँ लिखता हूँ MARK मार्कशीट, तो ये कर दिया हमने मार्कशीट। और यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पे क्लिक कीजिए और यहाँ पे क्लिक करके और फिर यहाँ पे इसको ड्रैग करवा दीजिए कुछ इस तरीके से, ठीक है। और यहाँ पर इसको सिलेक्शन में लीजिए और ये कुछ इस तरीके से, ये हो गया। और फिर इसको बड़ा कर लीजिए थोड़ा सा इस तरीके से, और मार्कशीट डालने के बाद आपको इसको अलाइन करना है, किधर की तरफ अलाइन करेंगे आप, ये देखिए अलाइनमेंट का एक बटन मिल जाता है, ये सेंटर में हम इसको चाहते हैं कि ये सेंटर में आए। और इसका कलर हम बैकग्राउंड का चेंज कर देते हैं, कलर अच्छा नहीं है, थोड़ा सा कलर इसको हम ये वाला दे देते हैं। अब देखिए अब हमें क्या करना है, अब हमें सिंपली इस पे क्लिक करना है, तो आप देखेंगे कि ये अरेंज वे में आ गया है, ठीक है। यहाँ पे सबके मार्क्स दिखाई पड़ रहे हैं, अगर आप चाहते हैं ऊपर नीचे करके सेटिंग करना तो वो भी कर सकते हैं, वो किसी और वीडियो में बताऊंगा। जैसे करना क्या है आपको कि ये नेम ऑफ स्टूडेंट है तो इसको ऊपर नीचे इधर उधर करके करना चाहते हैं, जैसे नेम ऑफ स्टूडेंट हो गया, रोल नंबर हो गया, और इनको नीचे लेके आना चाहते हैं या ऊपर लेके जाना चाहते हैं, तो ये सारी सेटिंग किसी अन्य वीडियो में बताऊंगा, अभी नहीं।